विष्णु जी की रसोई में आप सभी का स्वागत। और आज हम बहुत ही सिंपल रेसिपी बनाएंगे जिसमें गैस का इस्तेमाल नहीं होगा, नहीं करेंगे गैस का इस्तेमाल। हम बनाएंगे पालक कचूमर सैंडविच। ब्रेड पर हम बटर लगा लेंगे, ये बढ़िया बटर, थोड़ा बटर हम इस पर भी लगाएंगे। बटर का इस्तेमाल तो थोड़ा दबा के किया, ठीक है। और इसमें जो पालक कचूरा हम डालेंगे, देखिए कैसे बनाते हैं। बारीक कटा टमाटर, पालक, बारीक कटा टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, नींबू। नींबू डालने का रस जो है तो एक आइसी स्टाइल ले लो, कपड़े में बांध लो, सारी बीजे अंदर रस बाहर। नींबू का रस, स्वाद अनुसार थोड़ी शक्कर, नमक, और बस इसे एक साथ चलाना है। अब इसमें क्या करना है, थोड़ा सा एक क्रंची होना चाहिए, मजा आना चाहिए। सफेद तिल में लूंगा, सेक लूंगा। इसके ऊपर सफेद तिल भुने हुए, अब देखिए कैसे मजा आता है। पालक का कचूमर, इस पर ये ब्रेड और फिर कचूमर। और इसे ऐसे दबा के और फिर इसकी साइड्स हम काटेंगे इस प्रकार। साइड काटते समय आप देखिए किस प्रकार से ये छुरी चल रही है, ऐसे नहीं लेना है, आराम से, ये देखिए ऐसे ऐसे। कम से कम परत हमने इसकी निकाली। साथ ही चाय, तो ये था पालक कचूमर सैंडविच। और ये कचूमर आप यदि सैंडविच रूप से नहीं खाओगे तो भी चलेगा, कचूमर के रूप से खाओगे तो भी चलेगा, या तो फिर सीधा रोटी में रोल करो और खाओ, कैसे भी खाओ। देखते रहो विष्णु जी की रसोई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो।